वेलकम दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे बॉक्स बेस पजल। 8 डिब्बे जे एल एन ओ क्यू एस टी और आर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। यहाँ पहले डिब्बे का क्रमांक एक है, उसके ऊपर रखा गया डिब्बा दो है और सबसे ऊपर डिब्बा क्रमांक आठ है। एस और क्यू और एस के मध्य तीन डिब्बे हैं। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ, क्यू और एस के मध्य तीन डिब्बे हैं, जी और एल के मध्य तीन डिब्बे हैं, जे और एल के मध्य तीन डिब्बे हैं, ठीक है। आर जे के ठीक नीचे रखा है, आर जो है वो जे के ठीक नीचे रखा है। आर और टी के मध्य दो डिब्बे हैं, आर और टी के मध्य दो डिब्बे हैं। एन और ओ के मध्य उतने डिब्बे रखे हैं, एन और ओ के मध्य उतने डिब्बे हैं जितने कि आर और एल के, आर और एल के, ठीक है। आगे देखिए, एन ओ के नीचे रखा है, एन जो है वो ओ के कहाँ है, नीचे है। क्यू टी के ठीक नीचे रखा है, क्यू जो है वो टी के ठीक नीचे रखा है। इसको ऐसे लिख दूंगा मैं, देखिए जब ठीक नीचे होता है तुरंत उसके नीचे रख देंगे, अगर उसके नीचे है तो एरो करके कहीं भी नीचे हो सकता है। एन सबसे नीचे नहीं रखा है, एन जो है वो सबसे नीचे नहीं है, ये भी है कि एन सबसे नीचे नहीं है, तो यहाँ कर देंगे एन बॉटम, बॉटम नहीं है, एन जो है वो बॉटम में नहीं है, ये आपका हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन को यहाँ से हटाता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। अब चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या देखिए, क्वेश्चन को आराम से समझेंगे क्योंकि यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। देखिए, जे आर और आर टी, अगर यहाँ पर कुछ मैचिंग मिल रही है तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, कहीं से भी शुरू आप कर सकते हैं। चलिए जे आर शुरू करते हैं, जे और आर, ठीक है, क्योंकि जस्ट नीचे है ये तो आपका ख़त्म हो गया। चलिए दो कंडीशन बनाकर चलते हैं, जे और आर, ठीक है। अब देखिए, आर और टी के मध्य में दो लोग बैठे हैं, दो डिब्बे हैं, ये आपका हो जाएगा। आर और टी एक यहाँ हो सकता है, एक आपका इस टाइप से टी यहाँ हो सकता है। अब देखिए टोटल वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, दो दो चार पाँच, और यहाँ पर चार होंगे, कोई बात नहीं, ये आपका हो गया। आगे देखिए, टी के जस्ट नीचे क्यू है, टी के जस्ट नीचे यहाँ पर क्यू लगा दिया, यहाँ पर ये आपका क्यू आ जाएगा। ये भी कंडीशन आपकी ख़त्म हो गई, और ये भी खत्म हो गई, और ये भी खत्म हो गई। आगे देखिए, क्यू और एस के बीच में तीन लोग हैं। अब देखिए, क्यू को अगर नीचे एस लेके जाऊंगा, एक दो तीन, और खुद आपका एस चार रहेगा, पाँच छः सात आठ, तो ये ज़्यादा हो जाएंगे आठ से, तो एस नीचे तो नहीं आ सकता, एस आपका ऊपर आएगा। तो एक दो तीन, यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर तो एस किसी भी कंडीशन में नहीं बैठ रहा है, तो ये आपकी कंडीशन गलत हो गई। अब मैं इसका ही एक पॉसिबिलिटी बना के और चलता हूँ, तुरंत यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और बना लूँगा। आप ज़रा देखिए, Q और S के बीच में तीन बैठेंगे ना, एक दो तीन, S यहाँ बैठ जाएगा आपका, Q एक दो तीन, और S आपका यहाँ पर ही बैठ सकता है, ये आपका हो गया, ये कंडीशन आपकी हो गई। आप ज़रा देखिए क्या है, और एक चीज़ को आप ध्यान रखिए, O ऊपर आएगा और N नीचे आएगा। आप ज़रा देखिए, J और L में तीन लोग बैठे हैं, अगर मैं J को यहाँ देखूँ तो एक दो तीन, L आपका यहाँ आ सकता है, और ज़रा देखिए, एक दो तीन, एल आपका यहाँ आ सकता है। अब मैं एक कंडीशन यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको, ये तो आपका हो गया, एल यहाँ भी आ सकता है और एल यहाँ भी आ सकता है। अब ज़रा इस कंडीशन को देखते हैं, आर और एल के बीच में जितने लोग हैं, तो देखिए आर और एल, अगर मैं ऊपर वाले को देखूँ या मैं चलिए नीचे वाले को देखता हूँ, आर और एल के बीच में एक और दो लोग हैं, एक और दो लोग हैं, उतने ही एन और ओ के बीच में होने चाहिए, और जबकि ओ कहाँ है आपका, ऊपर है, और एन, ये कंडीशन आपको रखनी पड़ेगी यहाँ पर। अगर मैं L को यहाँ मानता हूँ, चलिए मैं एक सेकंड भी L को यहाँ पे हटा देता हूँ, ये कंडीशन है आपकी, तो O और दो अंक बाद आपका N कहाँ आएगा, अगर O को यहाँ रखूँगा तो एक दो N यहाँ नहीं आ पाएगा। O को अगर मैं यहाँ रखूँ, चलिए यहाँ पर रखता हूँ, एक दो N यहाँ पर आपका आ गया, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ प्लेस हो तो गए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बोला है कि N आपका बॉटम में नहीं होगा। तो L अगर आप नीचे मानते हैं, अगर आप, ये आपका था जे और एल, आप नीचे मानते हैं, तो ये आपकी गलत हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, एल को कहाँ मानेंगे, ऊपर, जो मैंने अभी माना था, ठीक है। जे और एल के बीच में तीन है ना, तो एक दो तीन आपका हो जाएगा। अब आप देखेंगे, जे और एल के बीच में तीन है, तो इसी तरह से आर और एल के बीच में, आर और एल कहाँ, एक दो तीन चार, इसके बीच में चार हैं, तो ओ और एन के बीच में भी चार रहेंगे, तो मैं ओ को यहाँ रख दूंगा, एक दो तीन चार, और आपका एन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और देखिए सबसे नीचे एस है ना कि एन है, तो ये कंडीशन आपकी सही हो जाएगी। अब जरा इसमें भी मैं देख लेता हूँ क्या है, जरा देखिए,
जे और एल के बीच में तीन थे ना, तो एक दो तीन, एल यहाँ पर ही आ सकता है, जे एक दो तीन एल, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो आप देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ज़्यादा हो जाएंगे, तो एल के लिए बस यही कंडीशन है आपकी, तो मैंने यहाँ पर एल को रख दिया। अब ज़रा देखिए आर और एल के बीच में जितने लोग हैं, तो एक दो तीन चार हो जाएंगे, उतने ओ और एन के बीच रहना चाहिए, और ओ आपका ऊपर रहेगा, तो एक कंडीशन है ओ, एक दो तीन चार एन है, लेकिन एन इसमें अभी नीचे आ जाएगा बॉटम में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपकी कंडीशन बनेगी, क्या बनेगी, एल ओ टी क्यू जे आर एन और एस, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।